अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेन स्ट्रीम के सेशन है। 12th of जनवरी 10 बजे वाला हमारा सेशन है। आज का जो हमारा डे है, वैसे तो हमारा डे कल था, हमारा एक्सेल एंड वो जी जी शीट जिसे गूगल शीट कहा जाता है या वर्कशीट जिसे कहा जाता है एंड वर्क बुक का, ये हमारा कल का सेशन था। लेकिन सिंस मंडे वी वर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ नेट एंड बैड वेदर, आज हम ऑन वेडनेसडे हम उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमारा एक्सेल का होगा। सबसे पहले जो आपके साथ मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट शेयर किया था वो था हमारा हाउ टू क्रिएट। जो हमारा 4 जून का सेशन था उसमें एक्सेल एंड गूगल शीट, एमएस वर्ड एंड गूगल डॉक्स प्लस गूगल ड्राइव और फिर वर्कबुक, वर्कशीट्स, टैब, उसके क्रिएट कैसे करना है और इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, ऑटो फिल डाटा इन टैब्स एंड शीट्स कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ मैंने 4th of जैन के सेशन में डिस्कस की थी, जिसकी कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग है इट इज हियर। आज जो हमारा सेशन है इट इज हाउ टू लिंक योर डाटा और डाटा विद इंटरनल और एक्सटर्नल शीट्स। अब यहाँ पर दो किस्म, वैसे तो ये सिर्फ एक्सेल के मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें साथ लेकर चल रही हूँ, एक्सेल एंड गूगल शीट। तो किस तरीके से आप डाटा को हाइपर लिंक, इंसर्ट विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ भी आप अपने सेल्स को लिंक कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, वेब्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं, प्लस किसी वीडियोस के साथ भी लिंक कर सकते हैं अपने सेल्स या अपने डाटा को इन एक्सेल एंड गूगल शीट एज वेल, या आप उसको किसी भी ड्राइव में डाटा अपलोडेड है तो उससे भी आप गूगल शीट के अंदर लेके जा सकते हैं। गूगल शीट का जो कंप्यूटर होता है एक्चुअली वो ड्राइव होती है, जो आपकी ऑलरेडी ड्राइव होती है या किसी की भी ड्राइव होती है जिसकी आपके पास एक्सेस अवेलेबल हो। तो गूगल जो माई ड्राइव है ये गूगल शीट्स की, गूगल शीट का एक कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, और जो एक्सेल होता है उसका अपना एक पीसी या वट एवर द सेटअप इज, सिस्टम इज, वो उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो ऑफलाइन काम करती है या ऑनलाइन काम करते हैं सारा। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है समर टेस्ट। ये वेरी डिफरेंट एक स्क्रैप है लिंक्डइन की, इसका डाटा है जो मैं लिंक करना चाहती हूँ। अब देखें, अगर ये आपके पास एक आ रही है प्रोफाइल लिंक आ रहा है, लेकिन दिस प्रोफाइल लिंक इज नॉट लिंक्ड विद एनी थिंग येट, मतलब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये वेबसाइट पे नहीं जाएगा या लिंक्डइन पे नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्क्रैप थिंग, दिस इज नॉट लिंक्ड विद एनी वन। प्लस यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो किसी चीज के साथ लिंक नहीं है। किस तरीके से लिंक होगा, इस सेल को आप लिंक करेंगे वेब के साथ। यू जस्ट नीड टू राइट क्लिक सेल और इसका यहाँ पर है हाइपर लिंक। कुछ लोगों का हाइपर लिंक आता है, कुछ लोगों का जस्ट लिंक आता है, तो बोथ आर सेम। आप इसको अगर हाइपर लिंक कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने ये हाइपर लिंक किसके साथ करना है। तो ये आपके पास ऑलरेडी जो इसका डाटा है, डिस्प्ले जो हो रहा है, मुझे इसी के साथ ही इसको हाइपर लिंक करना है ताकि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चला जाए। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन दिस। जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा जो भी जैसे ही मैं इसको, ये यहाँ पर ओपन हो गया वक्त उसने एरर दे दिया और अब ओपन कर दिया। डेनिस, ये हमारा वहां पर जो मैंने हाइपर लिंक किया है ये यहाँ पर ओपन हो गया। इसी का डाटा मुझे बजाय कि मैं इसको कहीं पे जाके लिंक करूं, जो भी मेरा सेट डिफॉल्ट ब्राउजर है वो उसमें ओपन करेगा। मैं जस्ट टू रिकन्फर्म कि क्या इसने इसी को पिक किया है, तो मैं इसका फुल नेम यहाँ से देख लेती हूँ। यस, ही इज द राइट पर्सन। आई डोंट नो क्यों उसने उसको एरर दे दिया, बट अभी इट इज देयर। तो दिस इज हाउ आई कैन व्हाट टू से इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ सेल
इससे मैं सारे हाइपरलिंक कर सकती हूँ जो उनसे मुझे चाहिए, जिसको मुझे बार बार यूज करना है। दिस इज एक्सेल, ठीक है, ये ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। अब अगर मुझे सपोज यहाँ पर कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है या कंप्यूटर के कोई फाइल है जो यहाँ पर क्लिक करनी है, मैं इसको कर देती हूँ स्क्रैपर के नाम से, कि मुझे ये स्क्रैपर है मेरा, मुझे स्क्रैपर को लिंक करना है जो कि मेरे कंप्यूटर में। अगेन आई एम गोइंग टू द लिंक और हाइपर लिंक। यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो वेब पेज है या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारी वर्कशीट है इसी के अंदर अवेलेबल है, या आपने कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसका लिंक इसमें डालना है, या कुछ भी इस तरह का डिटेल्स हैं, तो वो मुझसे वो पूछेगा। सो आई विल टेल हिम नो इट्स नॉट हेयर, इट इज हेयर। सपोज मैं इसको इसके साथ यहाँ पर लिंक कर देती हूँ कि जब मैं स्क्रैपर ओपन करूँ तो मेरे पास ये वाला स्क्रैप, ये वाला डाटा जो है लिंक्डइन का एक्सपोर्टेड डाटा, ये ओपन हो जाए। अब ये मेरे कंप्यूटर के अंदर है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये मेरी सी के अंदर पड़ा हुआ है डाउनलोड्स के अंदर। तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस, तो ओके कोई इशू नहीं। अब इसने वो वाला मेरा, जैसे मैंने उसको क्लिक किया, उसने डायरेक्ट मेरे मेरा ये वाला फोल्डर ओपन कर दिया जिसको मैंने ओपन करने को कहा था। अब उसके अलावा अगर मैं उसे कहती हूँ कि नहीं तुम फोल्डर में ना जाओ, तुम फोल्डर के अंदर से मैसेजेस में जाओ, तो मैं इसको मैसेजेस के साथ भी लिंक कर सकती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि इसी के मैसेजेस के साथ मुझे हाइपर लिंक कर दो, मुझे जाके वहां से ढूंढना ना पड़े। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक लाइक दिस, इसको मैं ओपन करती हूँ। अब वन फोल्डर, अभी इसने ब्राउज कर दिया और इसके पास सी में सी फाइल, ऑल फाइल्स आ। अब मैं कहती हूँ कि ये मैसेजेस वाले को लिंक कर दो मेरे इसके साथ। अब ये मैसेजेस वाला लिंक हो गया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्ट इस तरह की एक एक्सेल की सी वी सी फाइल ओपन कर देगा। ये देखिए, मुझे उसको जाके जब भी मैंने इसको ओपन करना है, मुझे अलग से अपने इस डाउनलोड या कहीं पे भी जहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़ा वहां जाके इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। इफ दैट डॉक्यूमेंट इज कंसर्न विद दिस थिंग, दिस शीट, तो उसको मैंने यहीं पे डाटा रख दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट योर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक योर डाटा विद फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस। तो यहाँ अपनी शीट के साथ आप लिंक कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। अब अगर वो मेरे से कहते हो कि ये डाटा इन अ सेम जगह है, सेम वर्कशीट में है, तो उसको इसको कलेक्ट हमारा यहाँ पर रखो। सपोज यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, मैं से कहती हूँ कि तुम इसको लिंक कर दो जो कि इसके अंदर ही शीट के अंदर है। आई अगेन गो टू द हाइपर लिंक, ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इट्स ऑलरेडी इन दिस डॉक्यूमेंट एंड शीट वन के अंदर है। यस इट इज इन शीट वन। उसने मुझसे पूछा वो कहाँ पर है, इसकी दो टैब्स बने हुए हैं, वो शीट वन में है कि शीट नेम के अंदर है। तो मैंने उसे क्लिक कर दिया कि वो शीट वन के अंदर है। मैंने जैसे ही क्लिक करूंगी तो शीट वन मेरी ओपन हो जाएगी और वो डाटा मेरा यहाँ से पूरी शीट जो है उसके साथ लिंक हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन लिंक योर डाटा विद इंटरनल एक्सटर्नल लोकेशन एंड फाइल्स। फिर उसके बाद है सेल्स लिंक करना, जो कि वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला सेल जो है ये लिंक हो गया है आपके डाटा शीट से, जो कि एक वेबसाइट भी हो सकती है, जो कि एक फोल्डर भी हो सकता है, जो कि एक कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जो कि कोई वीडियो भी हो सकती है। अगर आपको यहाँ पर कोई वीडियो ओपन करनी है तो आप इसको इसी तरह हाइपर लिंक करके उस वीडियो को सिलेक्ट करें तो वो वीडियो भी इसके अंदर लिंक हो सकती है। दैट कैन एनी थिंग यू कैन वट एवर इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर, इट कैन बी लिंक्ड हियर। तो ये है हमारा एक्सेल का। अभी मैं इसको ले जाती हूँ अगर अपने गूगल शीट्स के अंदर, तो आपकी ये शीट है यहाँ पर, इसके अंदर ही मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक रखा है और मैं इसको लिंक करती हूँ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वाले उससे
वेब से या जो मेरा यूट्यूब का लिंक है या जो वीडियो है जो ऑलरेडी ऑनलाइन पड़ी है, मैं उसे कहती हूँ कि तुम इसको ओपन करो, इसको लिंक कर दो इस वेब इसके साथ। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉपी करना, ये एक एक्सटर्नल लिंक है, कॉपी कर लेना, ये कहीं पे भी हो सकता है। सपोज ये यूट्यूब में पड़ा हुआ है, मैं इसको यूट्यूब को ओपन या कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट हो, मैं इसका सिर्फ मुझे इसका ये चाहिए, मैं वहां से ले सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन करके इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कोई भी वेबसाइट से मैं इसको पिक कर सकती हूँ। तो व्हाट आई डिड कि मेरे पास ये लिंक था, मैंने इसको इस टैब में या इस सेल के साथ लिंक करना है। मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि मैं हाउ टू स्टार्ट जरूर देती हूँ, वो मेरी ड्राइव के अंदर एक वीडियो पड़ी होती है, या समटाइम्स यूट्यूब, हाँ ओके। सो मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देती हूँ, पहले ये मैं अपना डिसाइड वीडियो चल पड़ी थी, मुझे अपनी आवाज आने लगती। ओके, गेट लिंक टू दिस सेल, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द सेल जहां पर आपने उसको करना है, एंड देन गो डाउन व्यू मोर सेल एक्शंस। जैसे आप आएंगे तो गेट लिंक टू दिस सेल, डिफाइन नेम रेंज, ये भी हो सकता है प्रोटेक्ट भी सेल हो सकता है, बट अभी हमें इसको लिंक करना है। जब हम इसे लिंक करेंगे तो वो लिंक कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। अभी मैं इसको इंसर्ट लिंक करती हूँ, यहाँ पर वो मुझसे पूछता है कि आपने लिंक कहाँ पेस्ट करना है, वो कौन सा लिंक है, वो इस शीट में से है, वो इस शीट का है, वो इसमें से है, वो मतलब जो मेरे करंट मैंने ओपन की हुई हैं उन शीट्स में से है, अगर उसमें से नहीं है तो क्या ये इसी शीट के अंदर से लिंक है जो आपने यहाँ पर अटैच करना है। आदर यू कैन उसे मुझे क्या इंडेक्स में पड़ा हुआ है लिंक, या आपने इस शीट के साथ टैब को लिंक करना है, या आपने कोई स्पेसिफिक रेंज है सेल की जो आपने इसके साथ लिंक करनी है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब मैं उसको ये भी कह सकती हूँ कि तुम इसको लिंक कर अटैच कर लो, तो ये एक स्पेसिफिक सेल के लिंक जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसको लेके जाना है वेब लिंक के साथ। सो व्हाट आई विल डू, मैंने कॉपी किया था अपना लिंक इस वाले यूट्यूब का, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बल्कि ये गलत आया, कंट्रोल सी, और इसको मैं इंसर्ट लिंक पर जाके जैसे ही मैं इसको पेस्ट किया तो ये यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग सेशन का लिंक आ गया। व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई इट, और अब मैं बजाय इसके कि इसको क्लिक करूँ, ये सपोज यहाँ पर है ही नहीं है, मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगी तो मेरा ट्रेनिंग सेशन वाला लिंक ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर वेब और एनीथिंग ऑनलाइन फ्रॉम योर ड्राइव, और कहीं पे भी अवेलेबल है वो इस तरह लिंक किया जा सकता है। अब जैसा ये गोल सेटिंग है, मैं इसे कहती हूँ कि इसको मेरे ड्राइव में से लिंक करो। जारी बात है, जब ड्राइव में से मैंने उसको लिंक करवाना है तो आई नीड अ प्रॉपर लोकेशन कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये मैंने इसकी लोकेशन को कॉपी कर लिया कि यहाँ पड़ा हुआ है अपने ड्राइव में से। जब मैंने इसको ओपन किया, ये मैं गोल सेटिंग को जब मैं ओपन किया तो ये मेरी ड्राइव की लोकेशन है जहाँ पर ये मेरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी द लिंक, एंड अगेन जैसा मैंने यूट्यूब का लिंक को कॉपी रखा था, ये अब मैं अपने ड्राइव के लिंक को पेस्ट करने लगी। सो व्हाट आई विल डू, इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक के बाद मैं इसको अपना जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो डाल दिया, जो कि ऑलरेडी गोल सेटिंग को ही लिंक कर रहा है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये मेरा लिंक इसके साथ अटैच हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अटैच द लिंक्स एंड अनलिंक, हाउ टू अनलिंक, आपने कोई भी अनलिंक करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देयर इज अ थिंग एडिट लिंक्स है, या अनलिंक भी आ जाता है यहाँ पर। ये आपका अनलिंक है, रिमूव लिंक, इसको आप क्लिक कर दें तो आपका इसका हाइपर लिंक फिनिश हो गया है। मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ, या एडिट पे भी जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं से शॉर्टकट से बता देती हूँ कि दिस अगर ये बगैर लाइन के होगा तो यू कैन लिंक, अगर ये लाइन के साथ होगा तो यू कैन नॉट। ये इंसर्ट लिंक का ये लिंक है कि ये आपने लिंक कर दिया, चेन बना दिया। अगर आप इसको अनलिंक करेंगे तो इसका एक क्रॉस एक लाइन आ जाएगी जिससे पता होगा कि ये लिंक रिमूव हो रहा है। दिस इज हाउ वी कैन लिंक हाइपर लिंक आर डिफरेंट टैब्स।
अब या वेबसाइट्स, अब टैब्स किस तरह लिंक होती हैं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप यहाँ पर टैब्स ऐड करते रहें। माइक किसका ऑन है जैद? तलहा, आपने यहाँ पर टैब्स को लिंक करना है, किसी किसी शीट के अंदर की टैब्स हैं किस तरह लिंक करनी है। मैं यहाँ पर एक शीट तैयार कर देती हूँ, या टैब एक पूरी रेडी कर देती हूँ, जिसका नाम रखती हूँ फर्ज। फ्री नेम हो जा भाई। फरजाना मैंने नाम रखा है, और मैं चाहती हूँ कि बजाय इसके कि फरजाना इसमें से सर्च करें, मैं फरजाना का यहाँ पर हाइपर नाम के साथ इसको लिंक कर देती हूँ। तो वो मुझसे पूछेगा कि इज इट इन अ सेम शीट, ये सेम ये वर्कशीट्स हैं, ये फरजाना वाला, ये वो फरजाना नहीं है जो मुझे इसके साथ लिंक करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने फरजाना लिखा हुआ, ये फरजाना की अपनी शीट की भी है, क्योंकि ये मैं एक्सेस की हुई है इन लास्ट 24 आवर्स। तो वो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप इनको लिंक करना चाहते हैं। नो आई डोंट वॉन्ट टू लिंक दिस। देन कैन यू डू यू वॉन्ट अ लिंक लिंक्डइन फरजाना का जो मैं एक्सेस करती हूँ, क्या आपको वो चाहिए? मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे शीट चाहिए जो मेरी ऑलरेडी इसके अंदर है। तो ये जो सिंबल है, एक रेक्टेंगल और उसके बीच में रेक्टेंगल, एक्सप्लेन कि ये आपकी इसी शीट का एक टैब है। इसका मतलब है कि इसी शीट का एक टैब है, ये कंफर्मेशन होती है। अगर वो ऐसे देता है आपको, इस तरीके से देता है, तो इसका मतलब है ये इस जी शीट के अलग कोई और शीट है, या आपके साथ शेयर्ड है, या आप इस शीट के ऑनर हैं, आप इसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं। सो दिस इज द साइन कि ये अलग शीट है, इट्स नॉट अ टैब ऑफ द सेम शीट। और दिस ये उसका वेब लिंक के कोई वेब लिंक है जो आपने लेना है, या दिस इज द सेम द शी द टैब, या जो अलग से फजाना के नाम से शीट है, ये उसका लिंक है, अगर आप इसको टैब इसके साथ अटैच करना। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको फजाना के साथ अटैच कर देती हूँ, हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं इस पर जाऊंगी तो मुझे ये जो 4 बॉक्सेस दे रहा है, इसका मतलब है कि इसी की ही एक शीट है, इसी सेट जो हमारी वर्कशीट है, ये उसी की शीट है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन इट एंड स्ट्रेट अवे आई विल गो टू दैट टैब, और फरजाना विल गो टू दैट टैब। इसी तरीके से आपको ये जो इंडेक्स आपको मैंने यूज करने का कहा है, वो एक्चुअली इसी बेसिक्स पे कही है कि व्हेन एवर यू आर ऑन एनी प्रोजेक्ट, या आपने कोई चीज अपनी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप उसकी इंडेक्स बनाएं। इंडेक्स बना के जहां जहां पर चीजें आ रही है, वहां वहां से आप उसके शीट्स को रख दें। जैसे ही अवैस भाई ने ब्रैड स्मिथ का रिजल्ट रखा, मैंने उस टैब को यहाँ पर लिंक कर दिया उस नाम से, ताकि बजाय इसके कि आप इसको लेफ्ट राइट फाइंड करें और उसको ढूंढ के फिर उस पर जाएं, या आप इसको यहाँ से ऑल शीट्स को स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल अप करें और इसको ढूंढें। अभी तो 5-6 ही हैं, लेकिन अगर सिनेरियो आपका कुछ ऐसा हुआ जो कि ये मेरी शीट का है, जिसका ये है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको इसको देखना और कवर करना कि मुझे कहाँ पर जाना है। अगर मैं सपोज मैंने कोई इसमें से टैब ओपन करना है, तो या तो मैं इसको क्लिक करती जाऊँ वन बाय वन, और मैं उसको ढूंढूँ कि वो कहाँ पर है, ढूंढते ढूंढते भूल जाऊंगी कि वो मैंने किसको ढूंढ रही थी, इतनी ज्यादा टैब्स हैं इसके अंदर। या दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको उस तरह स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर करके इसमें से मैं फाइंड आउट कर लूँ, या सबसे इजिएस्ट वे है कि मैं उसका इंडेक्स बनाऊँ लाइक दिस, और उसको यहाँ पर लिंक कर दूँ सेट टैब को। जिस तरीके से मैंने अभी ये न्यूबीज का सेशंस होते हैं, तो ये इसका टैब मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो मुझे न्यूबीज पे ले गया। अगर वो तला दिस, ये मैं इंडेक्स ऐड कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? ओके, ये जिस तरह अभी इंडेक्स पर मैंने उसको क्लिक किया, तो मैं वापस इंडेक्स में, मैं किसी भी टैब में होंगी, मैं कहीं पर भी होंगी, तो मैं वापस इंडेक्स पे मूव कर जाऊंगी। सपोज ये 10K डेंटिस्ट का एक टैब है, और ये आई डोंट नो कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी दुनिया में है, किस कोने में पड़ा हुआ है, या मेन प्रोजेक्ट शीट या सीमलेस कॉन्टेक्ट शीट, ये मेरी शीट के किस कोने में पड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैंने वापस इंडेक्स में जाना है, तो आई मस्ट हैव अ इंडेक्स टैब हियर लाइक दिस, और वहां पर भी इस नाम से मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं वहां से भी अगर आना चाहूँ, तो मैं बजाय से कि यहाँ से फाइंड आउट करूँ, यहाँ से ही इसको चेक करूँ और उसके अंदर मूव कर जाऊँ।
So this is how we can make hyperlinks of cells, webs and files which we have. एक्सेल के साथ आप सारी फाइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शेयर कर सकते हो, बट विद गूगल शीट्स आप अगर तो इसी कंप्यूटर पर बैठे हो जिस पर काम करो, तो आप अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट इसके साथ शेयर कर सकते हो. अदरवाइज आप इसके साथ सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एंड दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन योर ड्राइव और समवेयर जहाँ आपके साथ शेयर्ड हो, ताकि आप उसको इसके साथ लिंक कर सकें. या वेबसाइट एक पब्लिक होती है, यूआरएल्स होते हैं, या कोई भी यूट्यूब या कोई भी ऐसा यूआरएल जो पब्लिक है उसको आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं. आप अपने जी शीट को अगर इफ़ यू आर यूजिंग सेम कंप्यूटर एंड यू गोना यूज ऑल द टाइम द सेम कंप्यूटर, तो आप अपने गूगल शीट के साथ, जी शीट के साथ आप अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हो. अदरवाइज फॉर जी शीट्स यू जस्ट गो फॉर माई ड्राइव या ऑनलाइन जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट है या जो भी अवेलेबल डाटा है, आप उसी के साथ उसको लिंक कर सकते हैं. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फिगर पेज सेटअप्स, हेडर्स एंड वर्कशीट फॉर्मेट्स एंड मार्जिन. सो फॉर दैट आई थिंक रीनेम अ वर्कशीट एंड टैब कलर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम से मैं आपको बता चुकी हूँ. इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लेन कर दूँ. आपने अगर कुछ यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है, हाउ फिल्टर का क्या फायदा क्या नुकसान होगा वो भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूँ कि आपने कॉलम्स अगर करने हैं, डिलीट करने हैं या ऐड करने हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो टू द कॉलम. जिससे पहले आपने एक कॉलम ऐड करना है उसको इंसर्ट कर दें, वो आपके बैक साइड पे उसको ऐड कर देगा. ये इसके अंदर है, एक्सेल के अंदर ये सिनेरियो कि वो सिर्फ एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन पे आपके कॉलम को ऐड करता है. एक अगर आप एक को क्लिक करके इंसर्ट करवाएंगे तो वो एक ही करेगा, अगर आप दो को क्लिक करके दो को इंसर्ट करेंगे तो वो आपके सेट कॉलम से के पीछे दो कॉलम्स ऐड कर देगा. मतलब आपने हेडलाइन से पीछे दो कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आपने हेडलाइन और जे और के को सिलेक्ट किया तो दो कॉलम्स इसके पीछे ऐड हो गए और वो डाटा आगे मूव हो गया. और इसी तरीके से अगर आपने सिंगल को डिलीट करना है तो ये दिस इज हाउ यू कैन डिलीट. और अगर इसमें अगर आप दो को क्लिक करेंगे तो जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो डिलीट होगा. इसी तरह इसका ऑप्शन है इन रोज, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं. अगर आपने रो ऐड करनी है, एक रो ऐड करनी है, तो आप किसी भी रो को क्लिक करें और उसकी बैक साइड पे एक रो ऐड हो जाएगी. अगर आप उसको दो या तीन रोज ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपनी डाटा जिसकी बैक साइड पे आपने रो ऐड करनी है उस डाटा को क्लिक करें, एक दो तीन जितनी भी आपने रोज ऐड करनी है, व्हेन यू विल इंसर्ट तो ये आपकी उतनी ही तीन डाटा रो की तीन जो एम्प्टी रोज हैं उसी डाटा की वो ऐड हो जाएंगी. मतलब दीज आर एम्प्टी, दीज आर नॉट विद द डाटा, डाटा आपका नीचे मूव हो गया. और अगर आपने मूव करनी है तो अगेन यू कैन क्लिक एंड सिंपली डिलीट. ये आप ध्यान, ये आपका एक्सेल के अंदर है, लेकिन इन अ गूगल शीट आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड कर सकते हो. इन अ गूगल शीट, गूगल शीट में आपको कुछ ऐड करना है तो यू जस्ट क्लिक, एक करना है तो एक को कर लो, दो करनी है तो दो सिलेक्ट कर लो. ये तो सेम चीज ही है, रोज में ऐसे ही है, लेकिन वो सिर्फ बैक साइड पे करता था. ये आपसे पूछता है यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ऑन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड, ये आपको इसके लेफ्ट पे जाना है कि इसके राइट पे जाना है. एक्सेल हमें ये ऑप्शन नहीं देता. मैं उसको कहती हूँ लेफ्ट पे करो तो वो लेफ्ट पे कर देता है, अगर मैं उसको कहती हूँ कि नहीं तुम इसको राइट पे करो तो वो राइट पे कर देता है. तो ये यहाँ पर गूगल शीट में इस तरीके से होगा. मैं इसको डिलीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि टूल किस तरीके से, या ज्यादा अगर आपने कॉलम्स ऐड करने हो तो किस तरीके से होंगे. दिस इज हाउ यू कैन डिलीट. मैं दो को सेलेक्ट कर लेती हूँ, अगेन मुझसे पूछेगा यू वांट टू इंसर्ट टू कॉलम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑन योर राइट साइड. मतलब जिस तरह वहां पर वो सिर्फ बैक साइड को ले रहा था दो को, अब मैं यहाँ पर अगर तीन को सेलेक्ट कर देती हूँ तो वो मुझसे पूछेगा यू वांट टू ऐड थ्री कॉलम्स. सी वो मुझसे तीन कॉलम की देने लग गया. क्या आपको तीनों कॉलम्स ऐड करने हैं, इसके लेफ्ट पे करने हैं कि राइट पे करने हैं? सो व्हाटएवर आई गिव हिम इंस्ट्रक्शंस वो वही करेगा. मैंने उसे कहा लेफ्ट साइड पे तीन कर दो, तो उसने मेरी उसी साइज के तीनों तीन तीन ती, 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 जो है वो बैक साइड पे एंटर कर दी. ओ मैं जो ये नहीं ऐड करते तो मैं इसको डिलीट कर दिया. आप इसी तरीके से है रोज, रोज को भी पूछेगा अप करना है कि डाउन, अबव करना है कि बिलो करना है.
और इसी तरीके से अगर मुझे दो तीन करने हैं, जितने भी करने हैं मैं उनको क्लिक करूंगी, तो वो उस चीज को पूछेगा कि तीन आपने रो सेलेक्ट किए हैं, कि आपने तीनों ऊपर ऊपर करनी है, तीनों नीचे करने। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट योर कॉलम्स। रीनेम योर वर्कशीट और टैब्स, वो मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ। यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड रीनेम, और आप अपने टैब को रीनेम कर सकते हो। आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी कर सकते हो, ताकि जब आप इसको ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, या सॉरी जब आप इस पर काम नहीं कर रहे हो, यू वांट टू सी कि एकदम से वो मेरे सामने दिखना शुरू हो जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी न्यूबीज को येलो किया हुआ कि ये मुझे येलो में दिखनी चाहिए। मैंने खुद से कलर कोड अपने लिए सेलेक्ट किए हुए कि येलो मीन्स येलो एंड ग्रीन मीन्स ग्रीन मीन्स कि मुझे उसकी हर वक्त जरूरत है, एंड येलो मीन्स कि मुझे उसको वंस इन अ डे जरूर देखना है। देन देयर इज रेड कि मुझे इसको बस वंस कभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो मुझे पता चला कि हाँ जी ये यहाँ पर। तो ये मैंने अपने लिए रखे हुए कलर्स, आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। दे आर नॉट सेट कलर्स कि हाँ जी यही होने चाहिए। ये आप कलर टैब्स कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और फायदा होता है कि अगर हम इस तरीके से भी देखते हैं, तो जो मैंने येलो किए हुए हैं उनके साथ येलो शो हो रहा है, और जो मैंने रेड किए हुए हैं उसके साथ रेड ही शो हो रहा है। सो वट एवर कलर आई गिव द टैब, उसका यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये मैंने ऑलरेडी रेड कर छोड़ा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने येलो पे जाके रुक जाना है, और येलो जहाँ पर भी होगा वहाँ पर मैं उसको क्लिक कर लूँगी। सो दिस इज अदर वे लोकेट योर टैब्स। हर ये सिर्फ नज़र का होता है कि जो चीज़ नज़र से गुजर जाए जल्द अज जल्द। सो इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम्स एंड रोज इज डन। इसमें थीम्स भी होती हैं, थीम्स को मैं अब नेक्स्ट सेशन पे ले जाऊंगी, क्योंकि दैट गोना बी अ टाइम टेकिंग। एक और चीज आपको बतानी थी, ये है आपकी कॉलम साइजेस, जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बड़ा और छोटा। ये है आपकी रोज, दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज। कॉलम में आपके एबीसी चलते हैं, एंड रोज में आपके बाय डिफॉल्ट 1 2 3 चल रहे होते हैं। मतलब जो कॉलम्स होते हैं वो अल्फाबेटिकली मेंशन किए जाते हैं, और जो रोज होती हैं वो न्यूमेरिक की जाती हैं। ये डिफॉल्ट इसका अपना सेट होता है। हम फिर खुद से सीरियल नंबर्स और वो डाल के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो होता है, जो डाटा होता है, उसको सेट कर लेते हैं। कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो डाटा है वो 12 उसका है, 12 रोज पे है। ओरिजिनली डाटा मेरा 12 रोज पे नहीं है, ओरिजिनली मेरा डाटा 11 रोज पे है। बिकॉज ऊपर वाला तो मेरा इंट्रो या वट एवर द नेम्स ऑफ द टैब वट एवर, वो तो मेरा डाटा नहीं है ना। तो जो बाय डिफॉल्ट कहता है कि वो 12 पे है। सो वेन एवर कोई प्रोजेक्ट हो, तो हम दो नंबर्स बोलते हैं। हम कहते हैं जी दे कैन बी चेंज्ड बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड। ये आप यूज इसको 2 से 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द डिफॉल्ट नंबर्स। तो हम कोई भी, ये तो हमने अपने लिए रखा होता है कि हम इसमें कोई गड़बड़ ना करें, हमें एग्जैक्ट सेट ऑफ डाटा पता चल रहा हो। लेकिन अगर हम किसी को कोई चीज रेफर करते हैं, तो वो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम टैब में जाओ और 9th रो में चले जाओ, कॉलम टैब में जाओ और 9th रो में चले जाओ। अब कॉलम टैब अगर देखा जाए, तो मैंने तो बी सी और डी सारे ही टैब रख दिए हुए नाम, कि वो टैब्स हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि कॉलम सी में जाएं और रो 4 में जाएं, ठीक है, तो रो सी बाय डिफॉल्ट इज सॉरी कॉलम सी में जाएं और रो 4 में जाएं, तो कॉलम सी इज दिस, स्ट्रेट अवे आपको पता चलेगा हाँ जी वो कॉलम सी में मैंने जाना है, मैंने और कुछ देखना नहीं है। आई जस्ट गो टू दिस कॉलम सी और उसके टैब रो नंबर 4 में जाना है। तो कॉलम सी का रो नंबर 4, ये सेल बनता है, C4 इसे कहते हैं। ये कॉलम का नाम है C4, दिस इज कॉलम सी एंड दिस इज 4। अगर मैंने इसको कहीं पे करना है, सपोज यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ 1, ये मैंने नंबर दे दिया, और मैं यहाँ पर उसको कह दिया कि तुम सम कर दो मुझे कॉलम सी और रो 8, कॉलम सी और रो 8 का को प्लस कर दो तुम कॉलम सी के रो 9 के साथ। तो व्हाट आई विल डू इक्वल्स सी मेरा कॉलम है, सी मेरा कॉलम है, और इसका जो रो नंबर है इट इज 8 8, इसको मैंने प्लस करना है सी ही कॉलम का रो नंबर 9 के साथ। सो इट इज C9, सेल का नाम हो गया C9। तो मुझे इसको C9 के साथ प्लस करना है, तो मैं कहीं पे भी इसका सम ले सकती हूँ।
ये 33 बन गया, इसको मैं चेंज करूंगी तो वो चेंज हो जाएगा वहां, क्योंकि तो वहां पर उसको मैंने फार्मूला दे दी। तो बताने का आपको ये वाला फार्मूला देने का मकसद नहीं था, मकसद था आपको सेल बताना कि वो कौन सा सेल है, जिस सेल किस तरह से रोज एंड कॉलम्स के बाद जो सेल का नेम होता है वो कैसे होता है। सेल का नेम आपको दिख नहीं रहा होता, आपने खुद से फाइनल करना होता है कि ये कौन सा सेल है। दिस सेल इज डी कॉलम एंड 8 रो, सो D8, दिस सेल नेम इज D8, इट्स नॉट डी कॉलम या टैब कॉलम और 7 सीरियल नंबर, नो, द डिफॉल्ट सेट इज डी कॉलम एंड 8 सेल। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट योर सेल्स। सो आई एम डन फॉर टूडे। इसके लिए आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क, प्लस असेसमेंट लिंक जो है वो क्या नाम है आपका, सबाहत, हमारे साथ शेयर कर दें यस मैम, चैट बॉक्स। जी मैं कर दूं शेयर अभी? ओके जस्ट होल्ड ऑन, हाँ कर दें, ओके 10:42 ओके है और 15 मिनट्स का है, आप प्लीज शेयर कर दें। जी हाफिज भाई, हाफिज भाई रही। जुम्मे जी वाले दिन बिल्कुल का आप जो ना वो लिंक नहीं है हमारे ना सर ने शेयर नहीं किया जुम्मे वाले दिन का। जुम्मे वाले दिन की जो सी शीट्स हैं वो काइंडली आप शेयर कर दें, और वो हाफिज भाई कैसे शेयर करेंगे, यू नीड टू मेक अ फॉर्म फॉर दैट एक्चुअली, क्योंकि अभी तो वो नहीं कर सकते। या फ्राइडे वाले दिन आप अपने जो असाइनमेंट्स आपने किए हैं वो आप लिंक शेयर कीजिएगा, हाफिज भाई प्लीज पिक कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे फॉर्म डन बना मैम। देती हूँ। ओके, असेसमेंट लिंक इज इन चैट बॉक्स, काइंडली पिक करें और उसको सॉल्व करें। एनीवन हु हैव एनी क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं कहूंगी सब असेसमेंट को करें, नॉट प्रिपेयर्ड ना लिखिएगा, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, जीरोस भी ना लिखिएगा, आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत गुस्सा आता है ये चीजें देख के। नहीं किया है तो बोले नहीं की है, डोंट अटेम्प्ट इट, पर मैं चाहूंगी कि आप लोग सारे उसको एक्सेप्ट करें। जी समर, आई थिंक कुछ नए लोग आए होंगे तो उनको यूट्यूब लिंक खोल के एक दफा बता दो कि आगे जी कैसे बिल्कुल, उसको। आई डू दैट। न्यूबीज कैसे, कहाँ पर है, डू वी हैव न्यूबीज जिनको मुझे समझानी है ये बात, तो कोई सामने हो तो मैं बताऊंगी। एनीवन जिसको असेसमेंट तैयार करना नहीं आता किस तरीके से करनी है या वो होमवर्क कैसे तैयार करना है, वो प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई एम नॉट हेयर टू डांटूंगी तो नहीं, एटलीस्ट ओके। ईशा शहजादी जी, ईशा व्हाट्स योर क्वेश्चन। जब हैंड रेस करते हैं ना तो अपने माइक को भी हाथ रखें ताकि फौरन से जब मैंने बुला लिया तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, 3 दफा कॉल और करो, कल उसके बता बाद देना मैं लिंक, आप लिंक्डइन लोगों को के पिक्चर का एक भी मिनट, बता देना। हाँ बताती हूँ, 3 दफा नाम कॉल करूंगी, जल्दी करूँ या लेट से करूँ, उसके बाद सबसे एंड में करूंगी। अच्छा जी, एक चीज जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपको मैंने बताना था, वो ये है कि लिंक्डइन ने अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दी है उन लोगों के जिन्होंने अवतार लगाया हुआ है, जिस तरह ये ईशा शहजादी के पास अवतार है, मतलब अपनी पिक्चर नहीं है, एक कार्टूनिश पिक्चर उन्होंने लगाई है, इसी तरह सबाहत की भी थी। फीमेल्स को पहले अलाउ था लेकिन अब उन्होंने एक रूल और पॉलिसी दे दी है कि दिस इज नॉट अलाउड। मैं आपको वो शो कर देती हूँ ताकि आपको भी पता हो कि दिस इज नॉट फ्रॉम माय वर्ड माउथ, इट इज फ्रॉम लिंक्डइन। ये देखें, हियर इट इज, ये हमारी एक बहन है जिनका लिंक्डइन, एक नहीं है बल्कि 2-3 हैं जिनके लिंक्डइन को ब्लॉक किया गया, और जब ओपन किया उन्होंने रिमूव किया उसकी रिस्ट्रिक्शन को तो उसके ईमेल का जवाब ही आया कि वी रिसेंटली हैड टू रिमूव योर प्रोफाइल फोटो फॉर द फॉलोइंग रीजन, द पिक्चर इज इन वायलेशन ऑफ अ लिंक्डइन फोटो पॉलिसी बिकॉज इट इज नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू। मतलब पहले वो अलाउ कर देते थे अवतार्स को, अब वो भी नहीं कर रहे।
Profile photos are important. They help you get recognized and add color to your profile. So we want to give you all the information you need to close another one. ये जरूरी उन्होंने उसको तो ये बोला कि जी इट इट गिव कलर्स टू योर प्रोफाइल, लेकिन इन शॉर्ट उनकी पॉलिसी चेंज हुई है कि अब वो बगैर फोटो वाली प्रोफाइल्स को ख़त्म कर देंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, या जो कार्टूनिश फोटोग्राफ्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. कीप इन माइंड दैट प्रोफाइल फोटो कैन गेट फ्लैग फॉर कंटेनिंग कॉपीराइट मटेरियल्स, जो कि आपकी फोटो नहीं है किसी और की आपने लगा दी, या कंटेनिंग कॉन्टेंट दैट अनऑथराइज्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और बींग कंसिडर्ड ऑफेंस, नॉट बींग एन इमेज ऑफ यू और एक्चुअल फोटोग्राफ. सो हमारा जो केस है वो ये वाला है जहाँ पर हम अवतार्स यूज कर रहे होते हैं. We recommend adding a new one as soon as you can. Or for more details and policies, you can visit Help Center of LinkedIn and LinkedIn team. So, ये एक policy हमारे सामने ये policy उन्होंने amend की है और इसका एक notice भी आ चुका है जो कि मैंने आप लोगों के साथ share कर दिया है. So, I'll request you people के kindly avatars को remove करके आप अपनी photographs को लगा दें. क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्क है अगर आप अपने प्रोफाइल्स को रखना चाहते हैं. सो दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू. ओके फाइन. किस तरीके से आप अपने फॉर द न्यू बीज आप अपनी किस तरीके से कर सकते हैं असाइनमेंट्स को तैयार कर सकते हैं. यार फिर जाना कुछ याद ही करवा दिया करें अगर मैं भूल गई. ओके फाइन. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द लिंक. कोई लिंक मुझे शेयर कर दें यहाँ पर. कल के असेसमेंट का लिंक शेयर कर दें प्लीज. कल के असेसमेंट का लिंक शेयर कर दें. बल्कि सबाहत कल की असेसमेंट का ना करें, जो आज असेसमेंट आपने दी है ना उसका लिंक शेयर कर दें. ओके मैम, मैं आज की असेसमेंट का लिंक शेयर कर देती हूँ. फॉर्म में है जी मैम? फॉर्म में है. ओके मैम, वैसे ले लेती जी. अब्दुल राफे मैम, मैंने ना पहले लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था तो यानी मतलब ट्रेड हो गया और जो रिकवर नहीं हो सका वो ना उसका पासवर्ड मैं भूल गया था, वो रिकवर नहीं हुआ और मैंने ना नया अकाउंट क्रिएट कर लिया था लिंक्डइन का. ओके और जो जो मेरी डीपी है ना मैम वो सेम है दोनों की, कोई इशू तो नहीं होगा या डीपी चेंज कर दूं डिस्प्ले पिक्चर? नहीं नहीं इशू होगा, आपकी अपनी है ना, कोई क्लेम तो नहीं करेगा ना कि मेरी है. यस मैम, इशू नहीं होगा, पर उसको अगर रिकवर कर सकते हैं तो रिकवर करके सिक्योरिटी क्वेश्चंस के रिप्लाई करके तो आप उसको फिनिश कर दें. मैम जो ना पहला लिंक्डइन अकाउंट था ना मेरा वो मैंने नंबर पर बनाया था ना, वो जीमेल पर नहीं बनाया था, वो रिकवर नहीं हो रहा. मैंने बहुत ट्राई की है और मैंने ये न्यू बनाया है. ट्रेनर कौन है आपका, तलहा है या ज़ायदा? तलहा तलहा है कि ज़ायदा? तलहा मैम. तलहा इस इनका जरा कोशिश करें कि रिकवर हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर देख लेते हैं. फोटोग्राफ तो आपने अपनी लगानी है, भले चेंज करके लगा दें पर कोशिश करें जो मैम ना पहले यानी मतलब पहले लिंक्डइन करेगा. आप समझ नहीं रहे मेरी बात, जो पहले बनाई थी ना अकाउंट उसकी भी डीपी सेम है, जो नया बनाया उसकी भी डीपी सेम है. कह रही हूं ना फोटोग्राफ को अपनी फोटोग्राफ चेंज करके लगा दो. ओके मैम, और उस पिछले वाले को डिलीट कर दो हो सके तो अकाउंट को. ओके फॉर न्यूबीज उनको बता दो कि किस तरीके से आप अपनी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. ये आपकी वीडियो है ठीक है, जब आपने इसको प्ले करना है तो आपने ऐसे ही इंग्लिश सुनने नहीं लग जाना, सबसे पहले आपने इसके कैप्शंस को ऑन कर देना, बहुत जरूरी है. कैप्शंस जो ऑन करने से ये होता है कि अगर आप सुन भी रहे हैं तो वो आप यहाँ से देख भी रहे हैं कि वो वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर वर्ड्स प्रॉपर नहीं आ रहे होते तो आपने इसको यहाँ से ओपन स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट भी कर देना है. तो वट एवर दे आर सेइंग ऑटो जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पर चलने शुरू रहते हैं. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किस सेकेंड पे क्या बात हुई यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है. ये चीज है फॉर न्यू बीज, पुरानों को पता है. आई सजेस्ट यू कि आप इसकी जो स्पीड है
प्लेबैक स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता, आई एम नॉट सेइंग कि आज ही, जितनी आप उसको ले सकें, जितनी तेज स्पीड आप ले सकें, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्पीड को भी इंक्रीज करते रहे. आज ही नहीं, 5-6 दिन, आपको लगता है कि नॉर्मल बात अब आपको समझ आने लग गई है, तो आप अपने अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस्ड करें कि आप इस स्पीड में भी ये सुन सकें बात. क्योंकि मोस्ट काफी लोग जो होते हैं वो तेज बोलने वाले भी होते हैं, आप उनकी बातों को कैसे कॉप अप करें उसके लिए भी मैं यहाँ पर कोई और ही वीडियो ओपन कर देती हूँ, ताकि अगर कोई चलाना भी पड़ जाए तो कोई मसला. ठीक है, इसी तरह करते करते मैं 1.75 के ऊपर अपनी वीडियो को सुनती हूँ, क्योंकि मेरा स्टेमिना या मेरा दिमाग जो है वो उन वर्ड्स को कॉपी कर लेता है, साथ में रीड भी कर रही होती हूँ. ये नॉर्मल से एक एक पॉइंट आगे आगे करते 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 ही आपकी प्रैक्टिस होती है. और इस प्रैक्टिस का फायदा ये होता है कि अगर कोई तेज बोलने वाला है तो मुझे उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये तो बहुत तेज बोलता है तो मुझे समझ ही नहीं आएगी, मुझे एक एक लफ्ज सुनना होता है. तो वो अपना दिमाग को अपने ट्रेन करना है एक्चुअली कि आहिस्ता आहिस्ता तेज, आहिस्ता से नॉर्मल बात करने वाले से तेज बात करने वाले को किस तरीके से आपने लेना है. दिस इज 1.25, मैं 1.75 तक जाती हूँ, 1.5 समटाइम्स जाती हूँ अगर वॉल्स क्लियर हो, 1.5 और 1.75. तो ये मैं अपनी स्पीड बता रही हूँ, आप भी अगर इंक्रीज करेंगे, लोग तेज भी बोलते हैं, लोग आहिस्ता भी बोलते हैं. अपने दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है कि हम तेज के साथ भी चल सकते हैं और हम नॉर्मल वालों के साथ भी चल सकते हैं. सो ये बहुत जरूरी है कि आप सबटाइटल्स कैप्शंस को ऑन करें जो कि इंग्लिश जनरेटेड होते हैं, प्लस आप इसके ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ से ऑन करें. जैसे ही आप प्ले करेंगे तो वो बोल तो रहे होंगे, साथ यहाँ पर भी चल रहा है. मैंने अभी आवाज को बंद कर दिया क्योंकि काफी लोग असेसमेंट भी दे रहे हैं, तो आवाज जो यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर भी चल रहा है. ठीक है, तो इससे आपकी लिसनिंग प्लस रीडिंग और जो आप रीड कर रहे हैं वो दिमाग के अंदर बैठेगा भी, वो दोनों आपकी जो है होगी, इम्प्रूव होगी. ये स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी, कम्युनिकेशन की ही एक स्किल्स हैं जो इम्प्रूव होंगी. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर असेसमेंट्स. इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इट्स नॉट लाइक अलावा, इसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं. एनीवन हु हैव अ क्वेश्चन? No one? सब newbies, 29 के 29 लोग जो हैं वो assessment ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो happy. हाफिज भाई आज की अटेंडेंस क्या है? मैं बताता हूँ, इट इज 24, आपके जाने से पहले मैंने देख लिया, 29 लोग हैं और 24 की अटेंडेंस है मेरे पास. तो जो 5 लोग हैं जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्या मुझे उनको किसी किस्म का इनवाइट देने की जरूरत है या वो खुद से लगा लेंगे? मोहम्मद सलीम है सेशन में, ये नाम तो नजर आया था अगर चले नहीं गए तो. इंजीनियर मोहम्मद सलीम जी, मैम मैं असेसमेंट कर रहा हूं. अच्छा, बात किए बगैर ना जाइएगा प्लीज. जी ठीक है, बल्कि सुन ले, आपकी वाइफ है गुल, गुल है ना? जी जी. उनको आपने डायरेक्ट मीटिंग में एंटर किया था, उनको पहले आपने न्यूबीज में एंटर करना है, लेवल 1 फॉर्म फिल करवाना है. जी ठीक है. ठीक है, तो वो ये आपको मैंने पहले भी बताना था, डायरेक्ट मीटिंग में नहीं, वो पहले लेवल 1 में जाएंगे फॉर 7 डेज न्यूबीज में, और फिर वो मेन स्ट्रीम में आएंगे. ओके मैम, तो आप उनसे लेवल 1 फॉर्म फिल करो. जी ठीक है. तला रफीक महजबीन, आप लोग असेसमेंट्स कर रहे हैं? आंजा, आंजा को काफी दिनों बाद देखा. यस मैम, असेसमेंट कर रहे थे. यस मैम, असेसमेंट हो रही है? नो मैम, मेरा नेट नहीं थी कल, तो मैं थी नहीं.
वक्त समीना को भी कहो कि आया करे। हाफिज भाई जो लास्ट फ्राइडे के रिजल्ट्स हैं ना उनको प्रॉपरली कंपाइल कर लेना ताकि इस फ्राइडे बार भी रिजल्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो रिजल्ट्स तो हमने बना दिए थे, मैं बात कर रहा हूँ वो जो लिंक नहीं है लास्ट फ्राइडे का लिंक हमारी वीडियो का नहीं है। लास्ट फ्राइडे का लिंक नहीं सर ने डाला? नहीं सर, वो अब जरा चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, शायद मुझे ना मिला। देख लेते हैं फिर जाना, देखिएगा जरा प्लीज। आई थिंक मैडम उसका रिकॉर्डिंग नहीं थी उसकी, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग नजर नहीं आई, वो जो सेशन फ्राइडे को हुआ था। तलहा पे रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया? तलहा मैम ने चला गया। ओके जी 15 मिनट्स आ रहा, आफ्टर 1 मिनट 15 मिनट्स कोना भी फिनिश। डियर फान भाई मैंने सुन लिया, मैं चेक कर लेती हूँ, तलहा ने लगाई तो होनी चाहिए, अगर नहीं लगाई है तो आप अपने शेयर तो कर दीजिएगा हमारे साथ लिंक। सॉरी समय क्या देखना था? ठीक है, लास्ट फ्राइडे के सेशन का लिंक। सबाहत यू गोना अनलिंक दिस फॉर्म राइट आफ्टर 1 मिनट। ओके मैम। 1 मिनट के बाद हम इस फॉर्म को अनलिंक कर रहे हैं, 57, 58 के ऊपर मैं अनलिंक कर रही हूँ। अपने अपने असेसमेंट जितनी भी हो गई उनको प्लीज सबमिट कर दें, रादर देन कुछ ना आए कुछ होना चाहिए। अपने अपने असेसमेंट्स को प्लीज सबमिट कर दें। ओके सबाह kindly unlink this form. Okay ma'am. Dear fun bhai. Madam jo friday ko assessment hui thi hamari presentation ki uski copy to humne idhar chat mein usne upload kar di thi, aur to dobara form uska nahi mila tha, to taaki form hum usko submit kar dein. और नेक्स्ट जो भी होगी वो भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है? डेट लिख दीजिएगा कि ये इस डेट की है, और फिर दूसरा फॉर्म जो है करंट डेट की हो जाएगा। टुमारो को ना भी थर्सडे, आयशा भी ना दीजिए, उठा लें हाफिज भाई अगर कोई चैट बॉक्स पर डाल रहा है असेसमेंट का लिंक तो डाल, वो प्रेजेंटेशन का लिंक ले दे रहा है तो आप डाल दें। अच्छा जी टुमारो इज थर्सडे, डॉक्टर बिल की तबीयत अगर बेहतर हुई तो ही विल बी हेयर, अगर नहीं होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी मेरी तरफ से कि हम अपना सेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। वैसे तो मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हैं, मुझे उस एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमेल कर दूंगी कल सर से कंफर्म करके कि इस डॉक्टर बिल इज कमिंग और नॉट, बिकॉज उसको निमोनिया एंड जो कोविड वाला सिनेरियो मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन यस ही इज इन्फेक्टेड विद कोविड नाउ, और जिसकी वजह से वो उसने लास्ट सेशन नहीं लिया, और आई डोंट नो अबाउट द टुमारो सेशन, अगर ना हुआ तो मेल कर दूंगी कि नहीं है आपका सेशन, एक चीज। सेकेंडली फॉर फ्राइडे प्रॉपरली आप एक्सेल के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएं, आप अपने गुड स्किल्स के ऊपर बनाएं, जिसके ऊपर बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, आपने मेरे साथ अपनी प्रेजेंटेशन 5 मिनट्स की शेयर करनी है, बोलनी है, बतानी है, समझानी है। सो लास्ट फ्राइडे तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, तो लेट स्टार्ट हुआ, बट आई होप इस फ्राइडे को मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाए और उसको 5 मिनट्स पे काम किया जाए। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू मे लीव, थैंक यू। हाँ मैंने ज़ूम पे फाइंड करके डाल दिया लिंक ना, आपने शेयर कर दिया है जो मीट स्पीक लाइव है उसमें आ जाता है, अपडेट हो जाता है यूट्यूब में ना, ये इसी जो लिंक किया है इसी स्पीक पे जो भी वीडियो होगी अपडेट हो जाती है। ओके मैं देख लेती हूँ, पर ये फरजाना इनकी प्रेजेंटेशन नहीं है,
मुझे जो रिकॉर्डिंग मिली मैंने वो ही डाली है ना इसमें। ये 7 दिसंबर की है एक्चुअली, मुझे फ्राइडे की चाहिए। सॉरी फ्राइडे इज 7th ऑफ जनवरी। क्या दिन पे दिन है वैसे? मिस हो गया है मैंने। वैसे क्या दिन पे दिन है? लेकिन ये भी आप डाल दें, हाउ टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, ये भी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। हाफिज भाई इसका जरा कैप्शन डाल दीजिएगा। हाउ आई थिंक 7 की इस मिस्टेक में नहीं है, 7 की नहीं। आज आज की बाजी, आज की नहीं, ये मैंने अभी टॉपिक ये मैंने एंटर किया है, ये हाउ टू क्रिएट, इस 7th ऑफ दिसंबर की है, हाउ टू क्रिएट योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलो मैं सर से चेक कर लेती हूँ, तला से चेक कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग थी कि नहीं थी, क्योंकि मैं तो अवेलेबल नहीं थी, लेट थी। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिएगा हाफिज भाई। जी फरमाइए। 7 जनवरी की है ये। 7 इरम इरम जी समर, जो नेक्स्ट हमने फ्राइडे को आपको जो असेसमेंट देना है उसमें हमने पावर पॉइंट किस टॉपिक बनाना है जो आपको, बिकॉज़ मैं 2 से क्लास नहीं ले रही थी बट मेरा काम जो आपको बेहतर लगे, जो भी गुड स्किल्स के ऊपर बना दूं। नहीं ठीक है, जो टॉपिक है हमारा है गोल सेटिंग। अच्छा दूसरी एक जी फरमाइए, जल्दी कीजिएगा सर, अब सेशन ले लिया मेरा सर की मीटिंग है इंशाल्लाह।